युगों युगों से चल रहा है मेघ, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रंजन शिष्य जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 20 फरवरी 2020 दिन गुरुवार, फागुन मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज द्वादशी तिथि शाम 4 बजे तक रहेगी और उसके पश्चात त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से लेकर दोपहर 1:04 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल दोपहर 2:07 से लेकर दोपहर 3:33 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। चलिए अब जानते हैं कि मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के सामने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पेश हो सकती है। बस जरूरत है कि आप अपने आंख और कान खोले रखें और मौका देखते ही चौका मार दें। सरकारी नौकरी में कार्यरत ऑफिसर्स को आज प्रमोशन की सूचना भी प्राप्त हो सकती है। वर्क प्लेस पर भी आप अपनी बुद्धिमानी और चातुर्य का परिचय देंगे जिससे आपके सहकर्मी आपसे प्रभावित होंगे और बॉस भी आपसे खुश होकर आपको बोनस दे सकते हैं। पड़ोसियों के साथ आज आपके संबंधों में मधुरता आएगी, परंतु आज आपके बिजनेस पार्टनर से आपकी किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है जो आज आपके व्यवसाय के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि आपके कार्यस्थल पर आज माहौल टेंस हो जाएगा। आज किसी से झूठा वायदा करने पर या कोई वायदा तोड़ने पर आप बर्बाद हो सकते हैं। आज आपके लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। प्रिय भक्तगणों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करके गुरु रंजन शशि जी से या गुरु मां रुक्मणी से या मुझसे वीडियो कंसल्टेशन या फोन कॉल कंसल्टेशन के माध्यम से अपनी समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है, जिससे आज आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। यदि आपका या आपके सबके संबंधियों का आए दिन स्वास्थ्य बिगड़ जाता है जिससे आप अपने कार्यों में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और आपकी प्रगति रुक रही है तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और मुझसे यानी कि स्वामी राजर्षि से अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे निश्चित तौर पर आपका स्वास्थ्य सदैव उत्तम बना रहेगा। आज मिथुन राशि वालों, आपको अपने व्यापार में अपने बिजनेस में आ रही किसी भी अड़चनों को दूर करने के लिए एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पुखराज की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनी शिशि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको
अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से यदि आज आप किसी इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं तो अपने क्लाइंट्स पर एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। आज आप गेंदे का फूल पूजा की थाली में रखकर उसके ऊपर हल्दी के कुछ छींटे मारें, फिर इस फूल को गंगा जल के साथ पीसकर अपने माथे पर तिलक के तौर पर लगा लें। यदि आज आप इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी बिजनेस मीटिंग सफल रहेगी और आप अपनी कंपनी के लिए एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीत पाने में सफल होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। मनोज कुमार पांडे। कहाँ रहते हैं आप? मैं वेस्ट की दुबई नगर सरोजनी नगर। कहाँ? नई दिल्ली में रहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप वैसे? मैं पटना बिहार से। आप गुरु माँ रुक्मणी से मिलने कब आए थे? लगभग 3 महीने पहले। आपको क्या परेशानी थी जो आपको गुरु माँ रुक्मणी से मिलने आना पड़ा? मेरी घरेलू समस्या थी और बहुत हमारे काम धंधे चौपट हो चुके थे, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या थी। तो आप कितने दिन पहले गुरु माँ रुक्मणी से मिलने आए थे? लगभग 3 महीने पहले। तो उन्होंने आपको क्या उपाय बताया? हमारे को कुछ अंगूठियों के बारे में बताया और पूजा पाठ करने का सजेशन दिया और उनके मार्गदर्शन पर चले अंगूठियां धारण किया। कौन सी अंगूठियां दिखाइए? तो ये अंगूठियां गुरु माँ रुक्मणी जी ने आपको प्रदान की थी। तो कितने दिन आपने अंगूठियां पहनी है कुल मिला के? लगभग 2 महीने। तो 2 महीने पहनने के बाद आपको क्या फायदा हुआ? हमें बहुत फायदा हुआ। आप जो परिवार से दूर थे और हमारे काम धंधा में वो बरकत नहीं हो रही थी। परिवार से दूर होने का मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी पत्नी और बच्चों से दूर रह रहे थे? जी हाँ। आपकी पत्नी रूठ कर चली गई थी? जी हाँ। तो अब आपकी पत्नी कहाँ हैं? अभी हमारे साथ हैं, बच्चों के साथ। अच्छा, आपके पास वापस आ चुकी हैं। और आपका काम धंधा? काम धंधा भी सुचारू रूप से चलने लग रहा है। तो आप कहना चाहते हैं कि आपको 2 महीने ये अंगूठियां पहनने के बाद आपकी जो भी इच्छा थी, जो भी परेशानी थी, वो पूरी हो गई? हो रही है। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से, दर्शकों से? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी है, कोई दुख परेशानी है, उन्हें गुरु माँ रुक्मणी जी से आकर के मिलें और अपने दुख दर्द को बताएं और उस उनके कहे रास्ते पे चलें। चले, जय शनिदेव। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।